तो माता पिता की सेवा एवं जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु यदि मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बनने लगे तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु स्वीकार है। कालदेव, आप दोनों महाशक्तियों के युद्ध से मैं जगत का विनाश होते नहीं देख पाऊंगा। मेरे प्राण हर लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। नारायण नारायण, ऊंट के पांव पालने में ही दिखते हैं कालदेव। इस 10 वर्ष की नन्ही आयु में इतने उच्च विचार, ऐसी आत्म त्याग की भावना। कालदेव, देवेश्वर महादेव ने ही आपको कालदेव के पद पर सुशोभित किया। यदि महादेव मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान देना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जगत कल्याण के लिए ही ये वरदान दिया गया है, इसे रोककर आप जगत कल्याण के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु यम के नियमों का क्या? यदि आप अपने नियम सर्वोपरि मानते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ। हर लीजिए मेरे प्राण, किंतु मेरे कारण कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। क्षमा करें महादेव, आज मार्कंडेय ने मुझे अन्याय करने से रोक लिया। धर्म का पालन तो करना चाहिए, किंतु जगत कल्याण एवं परोपकार के मूल्य पर नहीं। पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं। नारायण नारायण, अंत भला तो सब भला। महादेव, आपका ये वरदान जगत का बहुत बड़ा कल्याण करेगा। महादेव की जय। 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 महादेव, आपके भक्त की तेजस्विता एवं आपकी भक्ति की महिमा है जो ये प्रथम बार होने जा रहा है कि काल देव रिक्त हाथ अपने धाम लौटने वाले हैं। मेरे कृत्य के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आज्ञा दे महादेव। प्रणाम। अंत भला तो सब भला। अंततः मार्कंडेय जी अपनी मृत्यु डालने में सफल हो ही गए। हाँ हनुमान, शिव भक्ति और माता पिता की सेवा का पुरस्कार मिला उन्हें, और फिर कालदेव के जाने के पश्चात महादेव मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए बोले, मार्कंडेय, तुमने जिस मंत्र को जपकर अल्प समय में मुझसे वरदान प्राप्त किया तथा अपनी मृत्यु को टाला है, अब से जगत में उस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। इस मंत्र को श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक जपने वाला मेरा भक्त मेरी कृपा का अधिकारी हो, उसकी समस्त संकटों, यहां तक कि अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा हो जाए। हे भोलेनाथ,
मुझे जीवन दान देकर मुझ पे बड़ा उपकार किया है, आपको कोटि कोटि नमन महादेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम महादेव। मृत्युंजय महादेव की जय। महाकाल महादेव की जय। जगत हितकारी महादेव की जय। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मैं अपने माता पिता की सेवा भी करूंगा एवं जगत कल्याण के लिए सदा तत्पर रहूंगा। आपकी जय हो भोलेनाथ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आप सभी देवगणों को भी मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो बस। मारकंडे पुत्र, तो बालको सुनी कथा? मारकंडे ने सिखाया श्रद्धा और भक्ति के साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो आसन्न मृत्यु को भी टाला जा सकता है। हाँ ऋषिवर, मारकंडे जी की ये भक्ति के कारण ही कालदेव को रिक्त हाथ लौटना पड़ा। सत्य है हनुमान, अन्यथा कालदेव कभी नियम नहीं तोड़ते हैं, अपितु नियम तोड़ने वालों को दंड देते हैं। हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। सृष्टि का नियम ही है ये, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हनुमान, तुमने क्या सीखा इस कथा से? सीख? हाँ ऋषिवर, मुझे ये सीख मिली कि मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। जिस प्रकार मार्कंडे जी ने अपनी मृत्यु को ढाला। हाँ ऋषिवर, मैं भी मार्कंडे तीर्थ जाकर महादेव के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूँगा। हाँ मित्र, पूरी श्रद्धा आराधना के साथ पूजा करना। हो सकता है कि मार्कंडे जी की भांति तुम्हें कालदेव भी दंड के स्थान पर क्षमा प्रदान कर दे। उन्हें मुझे क्षमा प्रदान करनी ही होगी। मैं उस मंत्र का जाप करके मेरे सारे परिवार की संकट से रक्षा करूंगा। किंतु हनुमान, ये तभी संभव होगा जब तुम पूरे परिवार के साथ मार्कंडे तीर्थ जाकर इस मंत्र का जाप करोगे। और ध्यान रखना पुत्र, कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा। यदि कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम परिवार के साथ वहां नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी समस्या हल नहीं हो पाएगी। ऋषिवर मतंग, मैं अभी जाकर माँ और पिताश्री को वहां जाने के लिए मनाऊंगा, किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है। अवश्य हनुमान, कहो। ऋषिवर, आप मेरे उस दुष्स्वप्न और कालदंड के बारे में माँ और पिताश्री को मत बताइएगा, अन्यथा वो बहुत चिंतित हो जाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो हनुमान, किंतु क्या हुआ ऋषिवर, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा हनुमान। ऋषिवर मतंग, आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावधान रहूंगा। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषिवर, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दें। अब क्या हुआ मित्र, रुक क्यों गए? मित्रों, एक दुविधा है। सबको
तीर्थ जाने के लिए कैसे मनाऊं? यदि किसी को भी ज्ञात हो गया मेरे उस दुष्स्वप्नों के बारे में और कालदंड के बारे में तो सब चिंतित हो जाएंगे, विशेष रूप से मेरी माँ। हाँ मित्र, दुविधा तो बड़ी है, लेकिन समय पर पहुँचना भी तो आवश्यक है ना मित्र। हाँ, कैसे भी करके माँ और पिताश्री को मनाना ही होगा। चलो। नम्मदेवाय नमः। ओम नम्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अच्छा हुआ लंकेश ने मेरी बात मान ली, अब लंकेश की ये विधिवत स्या अमृत की प्रावश्य कराए। कहो पुत्र, तुम कुछ कहना चाहते हो? पिताश्री, हनुमान की कुछ इच्छा है, वो आप पूर्ण करेंगे ना? इसमें संकोच कैसा? पुत्र हो तुम हमारे, और पुत्र की हर उचित इच्छा को पूर्ण करना पिता का कर्तव्य होता है। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? पिताश्री, हनुमान की ये इच्छा है कि आप माँ, नानी और माजरी का मौसी मार्कंडे तीर्थ जाकर मृत्युंजय महादेव की पूजा करना चाहता है। ऋषिवर मतंग के पास गया था मैं, उन्होंने ही ऐसा करने का सुझाव दिया है। आप सब चलेंगे ना मार्कंडे तीर्थ? अवश्य पुत्र, अच्छा पिता वो होता है जो अपने पुत्र की उचित इच्छा का सम्मान करे। पिता तो पुत्र के लिए कुछ भी करता है, और फिर जब पुत्र तुम्हारे जैसा हो तो उसकी इच्छा के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मेरे अच्छे पिताश्री, सबसे अच्छे। हनुमान, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा पर जाऊं सबके साथ। बहुत ही उत्तम सुझाव है हनुमान का। परंतु पिताश्री, हमें वहां जाने के लिए प्रातः काल में ही प्रस्थान करना होगा। ऋषिवर मतंग ने कहा है कि कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को हमें वहां पूजा करनी होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी हनुमान। प्रातः काल तक हम सब व्यवस्था कर देंगे जाने की। मतंग ऋषि ने अवश्य ही कुछ सोचकर यह सुझाव दिया होगा। ऋषिवर मतंग सदैव हमारे परिवार के शुभचिंतक रहे हैं। उन जैसे ऋषि हमारे परिवार एवं राज्य के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करते रहे हैं। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अभी मंत्री से यात्रा की सारी व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। हम भी मार्ग के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करवा लेते हैं। चलो मार्जरी का। हाँ माँ, चलिए। हनुमान, मैं भी सबके लिए वस्त्र आदि की पोटिका लगवा देती हूँ। प्रातःकाल होते ही निकलना है ना? सब इतनी सहजता से मान जाएंगे, ये तो हनुमान ने सोचा भी नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब तो हमारी यात्रा प्रातः काल को ही आरंभ होगी। प्रभु, आपके कारण हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। जय हो भोले बाबा की। लो पुत्र, इन्हें दान करो।
आ गए। हनुमान, हनुमान। हमें विलंब तो नहीं हुआ मित्र? नहीं मित्रों, तुम सब समय से ही आ गए हो। पिताश्री, आपकी अनुमति हो तो मेरे सारे मित्र भी आ सकते हैं मेरे साथ। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, वैसे भी तीर्थयात्रा बंधु बांधवों के साथ ही पूर्ण करने का विधान है। अब हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए जिससे कि समय रहते हम अपनी यात्रा सफलता पूर्वक पूर्ण कर सकें। संभव है निश्चित समय के भीतर ही मैं ये तीर्थ यात्रा पूर्ण कर लूं। सफल नहीं हो पाएगी केसरी की तीर्थ यात्रा, ना ही जीवन यात्रा। परंतु महाराज कालदेव, केसरी का परिवार भी है केसरी के साथ, कहीं परिवार की पीड़ा से ही जुड़ी है हनुमान की पीड़ा। चित्रगुप्त जी, केसरी के प्राण हरने की व्यवस्था कीजिए, भेजिए यमदूतों को। जी प्रभु। आज्ञा दे ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो पुत्र। स्वजन हेतु चिंतित हनुमान, महामृत्युंजय तीर्थ प्रयाण। सभी साथ जाते हनुमत के, भाव विभोर नेत्र मारुति के। क्रूर काल रच रहा योजना, परिवर्तित कर अपनी गणना। जन्म मरण है जीवन यात्रा, हनुमत कृपा बने जय यात्रा। क्लांत प्रतीत हो रही हैं। क्या मैं आपको कांधे पर बिठा कर ले चलूं? हनुमान, तुम तो एक ही क्षण में सबको अपने कंधे पर उठा के ले जा सकते हो पुत्र, किंतु तीर्थ यात्रा अपने पांव पर चल के पूर्ण करने में ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप सब क्लांत प्रतीत हो रहे हैं, क्यों ना कुछ क्षण विश्राम किया जाए? अवश्य पुत्र हनुमान। आगे पर्वत श्रृंखला है, यदि उसे पार करना है तो हमारा विश्राम करना आवश्यक है। उसके पश्चात हम नई स्फूर्ति से आगे बढ़ेंगे। पिताश्री, हमें समय पर यात्रा पूर्ण करने का ध्यान भी रखना होगा। चिंता मत करो पुत्र, सब कुछ समय अनुसार ही होगा। हनुमान, तुम ही नहीं सारा संसार जान जाएगा कि काल के कार्य में हस्तक्षेप करने पर काल का क्या दंड होता है, और प्रकृति के विपरीत कार्य करने पर काल कैसे दंड देता है। विधान ही काल की पहचान है। यम के नियम जितने कठोर हैं, उतनी ही कठोरता से पालन करवाते हैं काल जी। आने वाले संकटों से सतर्क रहकर अब मुझे हर क्षण अपने परिवार जनों के साथ रहना होगा।
ऋषिवर मतंग ने सावधान रहने को कहा था। मैं पूर्ण सजगता से सबकी देखभाल करूंगा। हनुमान आओ पुत्र, तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर। नहीं माँ, मैं क्लांत नहीं हुआ हूँ। मैं आप सबकी रक्षा करने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ। वन्य प्राणियों का भी संकट हो सकता है ना। आप सब विश्राम कीजिए। क्या हुआ हनुमान? आओ पुत्र, तुम भी कुछ देर विश्राम कर लो। किंतु मुझे चिंता हो रही है पिताश्री, हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। चिंता मत करो पुत्र, समय रहते हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो चलो उठो, सब लोग पुनः ससज्जित हो जाओ। संध्या काल से पूर्व हमें पर्वत श्रृंखला पार करनी है। चलो चलो शीघ्र चलो पुत्र हनुमान, चलो। ये परछाई कहीं कालदेव के दूत ही तो नहीं है? मुझे पूर्ण रूप से सजग रहना होगा। चलो मित्र हनुमान। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सावधानी से, इस ओर खाई है। रुक जाओ, पिताश्री की ओर बढ़ रही है। पिताश्री, पिताश्री।
कैसी ध्वनि है?
पिताश्री। हनुमान, इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे थे? हनुमान, तुम्हें पहले कभी इस तरह चीखते हुए नहीं देखा, क्या हुआ? नहीं नानी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कल से देख रही हूँ तुम किसी चिंता में डूबे हुए हो, कहीं वो कल वाले स्वप्न ने तुम्हें व्याकुल तो नहीं कर रखा है? अब कैसे बताऊँ मैं कि क्या हुआ है? हनुमान, जब किसी भी समस्या का हल निकालना हो तो उसके विषय में बात करनी चाहिए, अन्यथा यूं ही व्याकुल रहोगे पुत्र। बोलो क्या बात है? मैं बताता हूँ, हनुमान को दुष्स्वप्न आ रहे हैं जिनके कारण चिंतित रहता है हमारा मित्र। सच सच बताओ पुत्र, क्या दिखाई देता है तुम्हें स्वप्न में? चिंतित होकर ही मैं ऋषि मतंग से मिला था, उन्होंने मुझे इस यात्रा का उपाय बताया है। उस सपने के पश्चात ही तो ध्वज गिरा था भवन से। जिससे कि तुमने केसरी जी की जान बचाई थी, ये तो बहुत बड़े अशुभ संकेत हैं। काली छाया एवं भैंसे, ये तो यम के प्रतीक है, हमें और सावधान रहना होगा। ध्वज का गिरना, स्वामी का स्वप्न में चट्टान से गिर जाना, मुझे तो बहुत भय लग रहा है स्वामी। उचित होता कि हम भवन में ही रहते। माँ की बात मानकर यदि सब लौट गए तो परिवार का संकट दूर कैसे होगा? परंतु अंजना, इस तरह तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर लौटना भी तो अशुभ है। मुझे तो भय लग रहा है स्वामी, न जाने आगे कौन से संकट का सामना करना पड़े। संकट से बचने के लिए यदि मतंग ऋषि ने कोई उपाय बताया था तो उसके पीछे कुछ रहस्य होगा। पिताश्री, ऋषि मतंग ने बताया था कि यदि हम महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में जाएं और उस मंत्र की पूजा करें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहां जाना ही चाहिए। आप सब भयभीत ना हो उठे, इसीलिए हनुमान ने किसी को भी सपने के बारे में नहीं बताया। हनुमान की चिंता उचित है, सबका भयभीत होना भी स्वाभाविक है, मुझे ही सबको हतोत्साहित होने से बचाना होगा। आश्चर्य है, आप लोग स्वप्न मात्र से ही इतने भयभीत हो रहे हैं।
हम लोग भगवान भोलेनाथ के तीर्थ पर जा रहे हैं। भगवान शिव में आप सब ध्यान लगाइए, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। किसी भी शुभ कार्य के मार्ग पे बाधाएं तो आती ही हैं। जो उन बाधाओं को पार करके निकल जाते हैं उसे ही शुभ और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि शुभ कार्य का परिणाम भी शुभ ही होता है। हर हर महादेव। त्याग दो सारा भय, छोड़ दो सारे अशुभ विचार और मन में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति धारण करके आगे बढ़ो। हमें समय रहते यात्रा पूर्ण करनी है। चलो 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 चलो। सबके रक्षक मारुति बीरा, परम सुचिंतित अति बल भीरा, स्वजनों के सेवक हनुमान, परम कृपालु स्नेह की खान। ध्यान धरे मतंग मुनि वचना, संकट मोचन रचते रचना, हनुमत जागृत है जिसके हित, सदा सुखी वे रहे अपरी। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार जाने के पहले ही दीपक चलाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, ठीक उसी प्रकार ही यदि कोई संकट आने का संकेत हो तो उस संकट का सामना करने या उससे बचने की व्यवस्था अग्रिम रूप से करने वाला मनुष्य ही जागृत माना जाता है। ऐसा दूरदर्शी योद्धा ही संकट पर विजय पाता है और दुखों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करता है। सोचने लगे पुत्र, कर्म करने से चिंता मिटती है। चले चलो। ये छाया कंपन।
संभल कर, संभल कर, सब सावधानी से पीछे खाइए। ये तो पर्वत में विस्फोट हुआ है, चट्टानें उड़कर कहीं भी गिर सकती हैं। बचो चट्टान की मलबों से। पृथ्वी धसने लगी है। सब लोग सावधान रहना, सतर्कता से काम लेना। काल का दंड अपना कार्य कर रहा है, शीघ्र ही केसरी के प्राण हर कर ले आएंगे हमारे यमदूत। नियम है तो यम है। कुछ भी हो जाए, कोई अपना स्थान मत छोड़िएगा। अब क्या होगा हनुमान? आसपास से धरती धस चुकी है। अब तो इसी चट्टान का आश्रय है, ये कभी भी धस सकती है। संभल के, बाल को संभल के, हनुमान संभल के, अंजना। बाल को संभल के। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। संतुलन बनाए रखो। ये चट्टान भी एक छोटे से आधार पर झूल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ आपने ही मुझे सीख दी थी, अंतिम श्वास तक आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छे पुत्र, विजय प्रयास करने वालों को ही मिलती है, जो करना है शीघ्र करो। किंतु कुछ भी हो जाए, आप सब अपना स्थान मत छोड़िएगा। माँ, हनुमान तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सबको रक्षित करने का प्रयास करो। किंतु मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे महादेव, हे प्रभु, अब आप भी रक्षा कीजिए।
हनुमान के परिवार को हानि पहुंचाना चाहती है तो हनुमान ने मुझे भी मां माना है। मेरे प्राण ले लो किंतु हनुमान के परिवार को इस कष्ट से मुक्त कर दो। न जाने ये कैसी देवी है आपका अनपढ़ी, कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। अपने स्थान पर पत्थर रखकर उड़ने का प्रयास करो। कुछ तो करो हनुमान। किंतु मैं क्या करूं? यदि मैं यहाँ से हिल गया तो ये पूर्ण चट्टान असंतुलित होकर गिर सकता है। काल जब कुपित होता है हनुमान तो मनुष्य को बचने का कोई मार्ग नहीं मिलता। ऐसा ही होता है काल का दंड। हनुमान तुमने सबके संकट का मोचन किया है, तुम्हें संकट से हम सबको बचा सकते हो। तुम्हें कुछ करना ही होगा मित्र, हम सबकी रक्षा तुम्हें ही करनी है, कुछ करो मित्र। हनुमान मैंने तुम्हें असहायता का पाठ नहीं पढ़ाया है, सोचो पुत्र कि तुम क्या कर सकते हो। हाँ माँ, असहायता पराजय का द्वार होता है, मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ। हमारा मस्तिष्क असीम शक्तियों का भंडार है, आवश्यकता है तो उन्हें पहचान कर उनका प्रयोग करने। मस्तिष्क के एक भाग को जल पात्र पर केंद्रित करो और दूसरे भाग को उल्का पिंडों पर। इस अभ्यास से ही तुम भावी जीवन में मन को एकाग्र करके एक साथ अनेक कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर सकोगे। मन आत्मा और बुद्धि के संतुलन को समझ पाओगे। कठिन प्रयास विफल करे हनुमत सप्रयास। अडिग अचल्यम देव कठोर हनुमत निर्मल भाव विभोर। मारुति संबालक संग ऐसा काल खेलते खेल ये कैसा। कौन कहे क्या हो परिणाम मारुति महिमा ललित ललाम। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। नहीं हनुमान तुमने पुनः बचा लिया उन्हें। किंतु काल के हाथ बहुत लंबे हैं, जिनसे मुक्ति पाना असंभव है। पुनः होगा मेरा प्रहार और तब तुम नहीं बचा पाओगे अपने पिता को। नियम का पालन सबको करना ही होगा। संकट मोचन हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय।
हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। माँ, पिताश्री, दोनों स्वप्न में मुझ पर संकट देखा था, ध्वज भी मेरे ऊपर गिरने वाला था। कहीं ये संकट मेरे कारण तो नहीं आया सब पर। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? अब तो संकट टल गया है। किंतु पिताश्री, यदि संकट नहीं टलता तो आप सब इस यात्रा पर मेरे कारण आए हैं। मेरे सारे मित्र भी मेरे ही कारण आए हैं। यदि कोई अनर्थ हो जाता तो आप सबके प्राण भी संकट में पड़ गए थे। किंतु मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष? मित्र, तुमने तो हम सबके संकट हरे हैं। पुत्र हनुमान, स्वप्न के कारण ऐसा सोच रहे हो ना? ये विचार मेरे हृदय में भी आया था, किंतु भूकंप आदि तो प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती हैं। इन विषयों को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। और यदि ये किसी विशेष कारण से हो भी रहा है तो ये संकट तीर्थ यात्रा पूर्ण होने पर ही टल पाएगा। हाँ माँ, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। नहीं, कोई आगे नहीं जाएगा। कोई आगे नहीं जाएगा। आगे की यात्रा मैं पूर्ण करूंगा। आप सब यहीं से वापस लौट जाएं। किंतु स्वामी। नहीं, मैं अपने कारण सबके प्राण संकट में नहीं डाल सकता। मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको छोड़ के कोई नहीं जाएगा। यदि कुछ होना ही है तो हम सबको होगा। स्वामी, आपको अकेले नहीं जाने देंगे हम। बस ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। कोई आगे नहीं जाएगा। राजा हूं मैं, मेरे आदेश का पालन किया जाए। बुद्धिमान है केसरी, परिवार को संकट से बचाकर आत्मत्याग को अग्रसर होना परिवार के मुखिया का कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य निभाइए केसरी। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आपने हमारा मार्ग सुगम कर दिया है। नियम है तो यम है। पिताश्री, आपका पितृधर्म एवं राज्य धर्म है सबकी रक्षा करना, और आपने मुझे भी सीख दी थी मनुष्य को
धर्म का निर्वाह प्राण प्रण से करना चाहिए। है क्या मुझे अपना पुत्र धर्म नहीं निभाना चाहिए? आप पर आसन संकट देखकर हनुमान कैसे आपसे विमुख हो सकता है? सुख दुख के कच्चे धागों के अटूट बंधन मैंने आपसे बांधे हैं स्वामी। आपका सुख दुख, आपका संकट मेरा भी सुख दुख और संकट है, और मुझे अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह भी करना है। महाराज, प्रजा राजा का परिवार होती है। आपने भी तो हमें बंधु बांधव कहा था, बंधु बांधव का दायित्व हमें भी निभाना होगा। पिताश्री, यदि मैं संकट में होता तो आप मुझे छोड़कर चले जाते? सुख दुख दोनों जीवन राग, विधि सब रचते राग विराग। स्वजन साथ तो सच्चा भाग्य, ऐसे में वन भी है राज्य। अपनों का सुख पावन धर्म, स्नेह भाव ही जीवन मर्म। रखते हर पल सबका ध्यान, जग में श्रेष्ठ स्वजन हनुमान। मुझे जो होना है हो जाए, किंतु मेरे कारण यदि आप सबके प्राण संकट में आएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। सुख में तो सब साथ देते हैं, अपनों की पहचान दुख में ही होती है स्वामी। सुख आपस में बांटने से बढ़ जाता है, और दुख अपने बांट ले तो कम हो जाता है। पिताश्री, आपने ही तो सीख दी थी कि एकता में शक्ति होती है। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। किंतु मैं तुम में से किसी को भी संकट में नहीं डाल सकता। पिताश्री, हनुमान भी आपका ही पुत्र है। हनुमान आपको इस संकट में छोड़कर नहीं जा सकता, भले ही आप हनुमान को आज्ञा के उल्लंघन का दंड क्यों ना दे दे। मेरा तो सर्वत्र तुम हो पुत्र, तुम्हें दंड देने का अर्थ है स्वयं को दंड देना। हम सबको साथ चलने की अनुमति दे दीजिए पिताश्री। ठीक है, हम साथ चलेंगे, हर संकट का सामना हम साथ मिलकर करेंगे। अब मुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा, अपने माता पिता और परिजनों का ध्यान रखना होगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।